मेरा अभियान ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो मैंने जैसे ही ज्वाइन किया था मैंने प्लान बना लिया था एग्जीक्यूट करने के लिए। मेरे टोटल इस महीने 16 प्लान्स हैं। हमारे यहाँ पे 3 दफ्तर हैं, किसी भी दफ्तर में आके किसी भी टाइम हमसे वो आके जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो लाइसेंस के एरिया की हो चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो। गुरुग्राम के नवनियुक्त डीटीपी एनफोर्समेंट अमित ने भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही गुरुग्राम के अंदर उन लोगों पर नकेल कसी जाएगी जो अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करके सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रही है। उन कॉलोनियों को न सिर्फ जमींदोज किया जाएगा बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में बनाए गए अवैध निर्माण पर जल्द ही पीला पंजा चलाया जाएगा। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो मतलब यहाँ पे रेजिडेंसीज होने चाहिए। अगर रेजिडेंसीज के अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे किसी भी तरह की हो, चाहे वो क्लिनिक हो, आपका स्कूल हो, प्ले स्कूल हो, आपके कोई फर्दर कोई ऑफिसेज हो, दुकान हो, तो उनको हम एज पर जो हमारा एक्ट है, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन इनिशिएट करते हैं और फर्दर उसको सील करते हैं। दरअसल डीटीपी एनफोर्समेंट अमित ने पदभार संभालते ही गुरुग्राम के सेक्टर 84 की पॉश सोसाइटी में सीलिंग अभियान चलाया था, जिसमें रेजिडेंशियल क्षेत्र में कॉमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही थी। यही नहीं, डीटीपी एनफोर्समेंट की माने तो आने वाले समय में डीएलएफ से लेकर पूरे गुरुग्राम जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ पीला पंजा चलाया जाएगा। मेरा अभियान ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो मैंने जैसे ही ज्वाइन किया था मैंने प्लान बना लिया था एग्जीक्यूट करने के लिए। मेरे टोटल इस महीने 16 प्लान्स हैं। 16 प्लान में से मेरे लगभग 11 अनऑथराइज कॉलोनीज के खिलाफ हैं, 5 मेरे सीलिंग ड्राइव्स हैं, क्योंकि उनको कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो चाहे वो लाइसेंस्ड एरिया हो अनऑथराइज कॉलोनी हो, एक बार हमारे दफ्तर में आके जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि वो अपना निवेश का पैसा लगाते हैं, उसका वो ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो। हमारे यहाँ पे 3 दफ्तर हैं, किसी भी दफ्तर में आके किसी भी टाइम हमसे वो आके जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो लाइसेंस के एरिया की हो चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो, तो हमसे आके एक बार इन्वेस्ट करने से वाले हमसे पूछ लें। मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, एनी कमर्शियल एक्टिविटी इन रेजिडेंशियल एरिया इज इलीगल। डीटीपी एनफोर्समेंट अमित ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह जांच पड़ताल कर अपनी जीवन पूंजी को घर या जमीन खरीदने में लगाएं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए किसी भी अवैध कॉलोनी में अपनी जीवन पूंजी को न लगाएं, क्योंकि डीटीपी विभाग द्वारा उन तमाम अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाया जाएगा। लेकिन देखना इस बात का होगा कि नवनियुक्त डीटीपी की करनी और कटनी में कोई फर्क तो नहीं दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।